Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं The Resident Evil 8 Village. हाँ, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इस गेम में चल क्या रहा है. ईथन की बेटी रोज को एक अजीब और गरीब विलेज की महारानी मदर मिरांडा ने किडनैप कर लिया है. मुझे लग रहा था कि वो उसको अपनी बेटी बनाना चाहती है, बट ऐसा नहीं है. उसने अपने कासल के जो चार लॉर्ड्स हैं, उन चार लॉर्ड्स को रोज 6 साल की बच्ची के चार टुकड़े करके बांट दिया है. और वो जो टुकड़े हैं, मुझे नहीं पता उसे काटा है, पर पता नहीं कैसे उसने उन सभी को एक इतने छोटे से फ्लास्क में फिट कर दिया है. और उसके चार पार्ट अलग अलग मॉन्स्टर्स के पास डिवाइड हो चुके हैं. एक मॉन्स्टर लेडी डेमिट्रस, उस टॉल लेडी को मार के हमने वो फ्लास्क ले लिया है और उसे ले जाकर मुझे कहीं पर लगाना है. मैंने वहां पर लगाया और ये सब मुझे बता रहा है ड्यूक. अब वो करने के बाद मुझे लग रहा है अगर मैं चारों मॉन्स्टर को मार के चारों पीस इकट्ठे करके वहां पर लगा दूंगा तो रोज वापस से जिंदा हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, बट आगे का मुझे पता नहीं. एक मॉन्स्टर को हम लोग ने मार दिया, दूसरे मॉन्स्टर की तरफ हम लोग गए थे जिसका नाम है डोना बेनिवियंटो. अब उसके हम लोग घर में भटक चुके हैं, भूल भुलैया सा घर है और मुझे नहीं मालूम आखिरकार मियाँ यानी ईथन की वाइफ, मेन करेक्टर की वाइफ उस घर में क्या कर रही है. वो नहीं है एक्चुअली, उसकी एक वुडन बॉडी है और वहां पर उसकी एक पिक्चर है. फिलहाल छोड़ो जो भी है, बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज हो चुका हूं इस गेम में, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. हाँ तो गाइस देखो, यही है वो हाउस अपनी सेकंड मॉन्स्टर डोना बेनिवियंटो का. ये काफी ज्यादा प्यारा सा स्वीट होम है बट उतना ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यार यहां पर वो जो रहती है ना डोना, वो काफी ज्यादा स्कैरी है. मतलब कभी भी सामने आ जाती है और हवा खराब कर देती है. वैसे अभी तक वो मेरे पास एक ही बार आई है. फिलहाल ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये ओल्ड प्रोजेक्टर, लास्ट टाइम इसमें मैंने 5 क्लिप लगा के एक वीडियो प्ले करी थी और जैसी प्ले हो रही थी प्रोजेक्टर ही नीचे गिर गया. भैंस कितनी खराब किस्मत है. बट हाँ, उसमें से हमें कुछ ना कुछ क्लियर हिंट मिले थे. और ये वाला जो गेट है, क्लिप प्ले होते ये वाला गेट अनलॉक हो गया था. मेरे हिसाब से ये गेट मुझे जहां पर ले, यार इधर भी ना ये देखो, ये डॉल से आप लोग कुछ समझ पा रहे हो भाई? मतलब एक सेकेंड, मुझे यहां से एक सीजर मिली है, ये कहां पर यूज होगी मुझे कोई आइडिया नहीं है. ओके ओके ओके, मैं चुपचाप यहां से निकल रहा हूं. वैसे यहां पर ना गाइस एक रास्ता भी है जो कि पता नहीं कहां पर जा रहा है. इसे हम लोग एग्जाम, इसके अंदर की सीजर से तो नहीं होगा. ओ नहीं, ये रस्सी है. ओके ये खुल जाएगा. तो ये रास्ता ना आई थिंक मुझे बाहर निकाल रहा है. मुझे पता नहीं क्यों, जगह थोड़ी बहुत देखी लग रही है या फिर हम लोग किसी न्यू जगह पर आए हैं. एंड यहां पर एक टेलीफोन है, किसी को फोन लगाता हूँ. हेलो. ओके नेटवर्क ही नहीं आ रहा इसमें. कुछ कनेक्ट भी है, वैसे वायर पीछे से कनेक्ट है बट फिर भी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे. मैं एक बारी दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एक नॉर्मल वॉल है. यानी कि मुझे यहाँ से अभी आगे बढ़ना. ओ रिंग हुआ. डोना प्लीज, तू तो नहीं है ना ये? देखते हैं किसका फोन है. मियाँ की आवाज है. Mia, what are you talking Jinda about? Hai kya, I love you both so much. I had to. Ye alag danger mein hai. Rose alag problem mein hai. Mere ko samajh nahi aa raha yaar. Mia ko to meri aankhon ke samne Chris ne goliyan baja di thi game start hote. But ye jo call pe awaaz aayi hai ye usi ki hai. Filhal yahan par ek door hai. Isme hame kuch lagana hai jo ki isme nahi lag payega. I think wo ek lady hai aur wo uska kid hai. यार इन मॉन्स्टर्स को, इन बच्चों से क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रहा. अगर मतलब कि अगर रोज को किडनैप करा भी है, उसके पार्ट्स करने की क्या जरूरत है भाई? फ्लास्क. ओ वाओ, मैं वापस से अपनी केमिस्ट्री लैब में आ चुका हूँ. और वो देखो गाइस, वहां से कोई जा रहा है. वो मियाँ है, मैंने उसे देखा शीशे के उस पार से. गाइस आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि इधर से कोई जा रहा है और ऐसा लगा कि जैसे मियाँ किसी को उठा. ओ भाई कसम से भाई साहब, मेरे सारे रुए खड़े हो गए भाई. एक मिनट पहले मैं चिल हो जाता हूँ. भाई गलत ही सीन चल रहा है यहाँ पर. फिलहाल इधर ओके. तो अभी हम लोग जो सीजर लेकर आए हैं, उस सीजर का यूज़ करके मैं इसकी जो चेस्ट है, ये वुडन बॉडी है एक्चुअली मियाँ की, जो कि पता नहीं इधर क्या कर रही है. एंड मुझे यहाँ से एक पीस मिला है. ओ मैं समझ गया ये कहाँ पर. नहीं डोना नहीं भाई, ये पक्का वही है. कुछ अजीब आवाज़ आई, ये रेडियो से आ रही है. मियाँ या तो भूत बन चुकी है, पर हमें क्यों डराएगी ये? मैं इसे बंद नहीं कर सकता प्लीज, ये काफी ज्यादा स्कैरी सा है. ओके मुझे ना गाइस यहाँ से एक गोल पीस मिला है और जहां तक मुझे पता है ना, इधर एक गेट है जिसमें मुझे एक गोल पीस लगाना है, शायद वो इधर ही लगेगा. ओके एंड ये है ब्रास मेडल. ओके लगा दिया मैंने. ओके ये लग चुका है और अभी ये वाला गेट नहीं ओपन हुआ.
इस गेट को ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ तो ऐसा मार्क है जो मुझे बनाना पड़ेगा, पर वो समझ कैसे आएगा कि मैं एक में आँख बंद है, एक में तीन आँख है, एक में आँख खुली है। तो मैं इसे ऐसे कर दूँ, और इसमें यार इसमें कुछ तो है यहाँ पर, कोई तो लॉजिक लगेगा जो कि मुझे समझना पड़ेगा। ओके, फिलहाल मैंने तुक्के मार मार के इस गेट को पता नहीं कैसे खोल दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से हम ना अंदर चलते हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, मैं बोल नहीं जा रहा था, और ईथन ने यहाँ पर एक टॉर्च जला दी है। अभी धीरे धीरे मैं नीचे उतर तो रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा गलत सीन अभी यहाँ पर होने वाला है। ओके, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कर कर की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चीज़ मूव कर रही हो आसपास वुड की। ये वही कुआं है, ये वही वेल है जो हमें उस क्लिप में नजर आया था। शायद से डोना रोज को इसी के अंदर लेकर गई थी जहां तक मुझे याद है। एंड ये क्रिप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये आई थिंक यार ये उसके घर में भी था, लेडी डिमिट्रेस्क के, और यहाँ पर भी है। फिलहाल यहाँ पर और कुछ तो नहीं है। एक तो मेरे पास जितने भी वेपन्स थे वो भी सारे के सारे इस छोटी डोल ने किसी जादुई तरीके से मेरे से छीन लिए। यहाँ से मुझे इस वेल के नीचे ही जाना होगा क्योंकि अपने पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और आई थिंक मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे पानी भी है। ओ वाह, यहाँ पर से मुझे एक क्री मिल, ओके ब्रेकर बॉक्स की, ठीक है। ओ भाई कसम से यार, फेस देख के मैं डर गया बड़ा अभी। ओ ये किस चीज़ का आवाज़ था यार? हेलो रोज, कहीं से रोज के रोने की आवाज़ आ रही है, और उसका क्रिप टूट चुका है। ये किसने तोड़ा? ये आवाज़ शायद इसी की थी यार। आवाज़ तो बहुत तेज आ रही है, मुझे ना तेज यहाँ से भागना पड़ेगा। मुझे की मिली है, मुझे कोई आइडिया नहीं वो की कहाँ यूज होने वाली है। हेलो रोज, डैड इज कमिंग। भाई ये कहाँ से आ रही है यार रोने की आवाज़? ओह बंद होगी आवाज़, यहाँ बाहर आती आवाज़ अंदर आ रही है। अच्छा अभी आवाज़ ही उसकी वो या तो रोना बंद कर गई है यार, वो अपने बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट वो तो चार पार्ट में डिवाइड हो गई थी। भाई इधर से ना कोई तो गया है, उसका वो जो क्रेप है वो भी टूट गया है, एंड पूरे घर की जो लाइटनिंग है वो भी अभी चेंज हो चुकी है, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी हो गई है। भाई रेडियो चला, रेडियो चला, इसमें आवाज़ सुननी पड़ेगी मेरे को मियाँ की। हेलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये कहाँ पर है? ये मियाँ की रियल वॉइस है, मैं 100% श्योर वो जिंदा है शायद। मुझे बाहर जाना चाहिए कि नहीं? ये गेट खुला हुआ है, मैं और कहीं जा भी तो नहीं सकता, बाहर ही निकलना होगा। इतना अंधेरा क्यों है यार इस घर में? मेरे को ये जो की मिली है कि कुछ तो है आगे तो। ओ भाई ये क्या? नहीं नहीं नहीं, अबे ये क्या चीज़ है? मुझे भागना पड़ा भाई, मैं निकलो यहाँ से। तो कहा जगह, ओह ये डोना तो नहीं है, डोना तो नहीं है। इसकी आवाज़ बच्चों जैसी है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर है, ऐसा लग रहा है कोई छोटा बच्चा है। मैं कहाँ जाऊँ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर एक रूम है वहाँ पर अंदर। अबे यार इतना अंधेरा, ये खुल जाएगी प्लीज़? ओके वो यहाँ से, ओके इधर कोई रास्ता नहीं है, मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए प्लीज़। ये वाला गेट यहाँ पर मुझे कुछ ला के फिट करना पड़ेगा, और मेरे पास कोई ऐसा आइटम नहीं है जो मैं वहाँ पर। ओ इधर एक रास्ता है, इधर एक रास्ता है। मैं इस रास्ते से तो गया था ना पहले, मेरे को नीचे मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ अंदर? ओके 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 आ गया, ठीक है। यो भाई क्यों हो रहा है ऐसा? ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। मुझे वो जो की मिली है वो कोई ऐसा डोर देखा था हमने लास्ट टाइम जो खुलना रहा हो, की मांग रहा हो, यहाँ तो नहीं लगनी वो की। इधर क्या है? इधर, ओ वो की शायद यहाँ लगनी है। एक बारी ब्रिक बॉक्स की, इसमें मैं लगा के देखता हूँ। ओके तो वो की यहाँ पर लगनी है। इधर से मुझे रिलीफ ऑफ चाल, ओके तो मुझे यहाँ से एक इसके क्या क्या बोलेंगे इसको, मुझे ना मेनली वहाँ पे ले जाके फिट करना है। ओके यहाँ पर शायद से फ्यूज़ ला के तो नहीं लगाना, ऐसा हो सकता है। पहले तो ये वाला जो ये जो मेरे को एक बेबी मिला है ना, एक सेकंड में इसका रियल क्या है, क्या चीज़ है, इसको एकदम सही से प्रोनाउंस करेंगे, रिलीफ ऑफ अ चाइल्ड। ओके तो इसको मुझे ले जाकर वो जो डोर है ना शायद उसमें लगाना है। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, नहीं मैं 100% श्योर हूँ अभी ना गाइस ये वहीं पर लगने वाला है। तो चलो भाई अभी ना फटाफट से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो ये जो डिप्रेशन है मीन्स ये जो छोटी बॉडी मिली है ना मेरे को किड की, एक्चुअली एक टाइप से टॉय है, मुझे इसे यहीं पर लगाना है। ओके तो ये लग चुका है, अभी वाला जो गेट है ओपन हो जाएगा, प्लीज़ कोई धप्पा नहीं। ओ वाओ ये है एक बढ़िया लाइटनिंग,
आगे से भी किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। यार इनको इतना क्या प्यार है यार बच्चों से। वैसे ये उतना ज्यादा बुरा घर नहीं है, मतलब वो भी अच्छा करता, बट लाइट जाने के बाद तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया। फिलहाल यहाँ पर कुछ काम की चीज है जो कि मुझे, ओ काम की चीज नहीं, यहाँ पर एक रास्ता है जो कि मुझे उधर, मेरे को यार मेरे वेपन्स तो दिलवा दो यार एटलीस्ट। कोई है अंदर? ओ ये डोना का रूम है, वाओ इतना बुरा रूम नहीं है, बस थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह हो जाएगी, मीन्स पेंटिंग नहीं वाइट वॉश वगैरह कुछ, एकदम पूरा वॉल वॉल पे इसने तो कागज चिपका रखे थे, यही चिपक जाएंगे तो बढ़िया है। फिलहाल यार मैं क्या बातें कर रहा हूँ यार, मुझे अभी रोज को बचाना है। मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक, ओ इधर से कुछ है, ओके मैं समझ गया, मुझे यहाँ से फ्यूज बॉक्स लेना है, अब इधर की लाइट चले जाएगी। एंड इसके अंदर कुछ है, हाँ ठीक है तो मैं समझ गया, मुझे इसके रूम का, इधर लाइट आ रही थी ना, इसके रूम का फ्यूज बॉक्स लेके हम लोग उधर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ, बट अभी मुझे छुपने की जरूरत कोई भी नहीं है, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। क्या करूँगा भाई, छुप के हम बहादुर हैं, हम लोग सीधा अभी मस्त तबाही मचाने वाले हैं। नहीं, या तो ये भूकंप आ रहा है या फिर कोई भूकंप आ रहा है मतलब ओ नहीं, ओ भाई ये कहाँ से, गेट गेट गेट, वो तेरी, ये अंदर नहीं आ पाएगा, ये अंदर नहीं, तू अंदर नहीं आ सकता, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है, प्लीज अंदर नहीं आ पाएगा तू, प्लीज देख ले यार, छोटे बच्चे अंदर मत आइयो, प्लीज ऐसा मत करे यार, मैं तेरे से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। एक मिनट, मुझे शायद से ना अभी उसी पलंग के नीचे हाइड होना पड़ेगा, ये अंदर आ चुका है। भाई भाई भाई, मैं खाली पीली इसका वेट कर रहा था, रिस्क उठाया भाई मैंने, उसका बैठ गए, मेरे को इसके नीचे छुपना है भाई, वरना तो ये मेरे को कच्चा चबा जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, बेड के अंदर मैं आ चुका हूँ, लाइट्स भी मैंने बंद कर दिया है। देख कहाँ से आ रहा है ये, मैं पूरा मुड़ भी नहीं पा रहा यार, इसके अंदर कोई छोटे बच्चे की आत्मा तो नहीं है, आवाज छोटे बच्चे वाली है बिल्कुल, कुछ नजर नहीं आ रहा है सही से। वो आ चुका है अंदर, प्लीज मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कहाँ है वो? ओ भाई ये रहा, ओ तेरी, सामने ही है। अबे इतना बड़ा जाइंट्स डीमन, एक छोटे बच्चे की आवाज के साथ कितना अजीब लग रहा है। चले जा भाई चले जा, मेरे को भी यहाँ से निकलना फटाफट से, तो इतना अंधेरा कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ से निकलूँ क्या? ओके मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से निकलने का, वो वापस ना आ जाए वरना बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखो वो जहाँ जहाँ से जा रहा है वहाँ पर पूरा ब्लड छपता जा रहा है, मुझे अभी बाहर निकलना चाहिए या फिर नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, चुपचाप से निकलता हूँ भाई बाहर। ओके मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ बाहर ढंग से, पता नहीं यार इसने ये पूरे में गंद सा मचा दिया है, और शायद अभी वो यहाँ से बाहर जा चुका है या फिर वो कहीं पर बैठ गया है पीछे ही। यार प्लीज़ दोबारा से धप्पा मत करियो। ओके मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए, यही सही मौका है, शायद से वो अंदर ही है या फिर वो कहीं और को चला गया। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे करना क्या था, मुझे मिला क्या था यहाँ से, मैं तो सब कुछ भूल ही गया। हाँ मुझे एक फ्यूज़ मिला था जो कि मुझे ले जाकर मेन गेट पे लगा देना चाहिए, एंड मेन गेट का रास्ता शायद यहाँ से है। प्लीज़ दोबारा मत आइयो यार प्लीज़। धीरे 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 धीरे, कहाँ पर था यार मेन गेट? आई थिंक यहाँ से लेफ्ट लेके है। ये मैं आ गया मेन पे, ये लिया मैंने लेफ्ट, और ये आ गई मेन लॉबी, मुझे यहाँ पर लगाना है वो, शायद फिर पूरे घर की जो है लाइट वापस आ जाएगी। ये रहा फ्यूज़, ओके फाइनली सब कुछ ऑन तो कर दिया है, बट लाइट अभी भी नहीं आई, लाइट अभी भी नहीं आई। अबे ये लिफ्ट तो नहीं चला, निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओ अच्छा 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 भाई, लिफ्ट यहाँ पर आ रही है, मुझे इसके अंदर घुसना है, जल्दी जल्दी। अभी कितना धीरे है ये, बंद 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 बंद, ओके ओ ओ भाई भाई भाई, ये बहुत ज्यादा अजीब है यार, बट मैं इससे बच चुका हूं। मुझे लग रहा था वो पीछे ही रह गया, पर यार वो उसने शोर मचाना बंद कर दिया था बस, और अभी उसकी आवाज मेरे को नीचे से भी आ रही है, छोटे बच्चों की तरह हंस रहा है भाई। छोटा बच्चा है तो फिर छोटा बच्चा रहना, खाने का आ रहा है मेरे को सीधा, वो मेरे को मारने नहीं आ रहा, मेरे को खेलने आ रहा होगा मेरे साथ। ये लाइट को क्या हुआ यार, नीचे वाले फ्लोर की लाइट आई नहीं, बस ये लिफ्ट चल गई, शायद वो ऑन करनी पड़ेगी। ओके मेरे को सब कुछ ब्लर दिख रहा है यार, पता नहीं क्यों, यहाँ पर इतनी सारी डॉल्स है। ओ तेरी, ओबे
भाई साहब ये छोटे छोटे डोल से डरा रही, ये है मेन डोना। अबे इसके पास तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल पावर्स है यार। भाई मैं यार छुपन छुपाई खेलने नहीं आऊँ, मुझे वो फ्लास्क दे मैं जाऊँ। इन सबको क्या हो रहा है यार? ओके ये वाला गेट बंद है। फ्लास्क फ्लास्क ढूंढना है मेरे को भी फटाफट से सबसे पहले। ये वाला गेट भी लॉक है। अबे यार मेरे को यहाँ छुपन छुपाई थोड़ी खेलनी है। कहाँ गई वो? ये वाला गेट तो खुल गया मुझे अच्छा मैं यहीं से तो आया था, मैं वापस क्यों जा रहा हूँ यार? शायद नहीं मैं किसी और रास्ते से आया हूँ। मैं अभी खुद में ही कंफ्यूज हो गया यार, इतना अजीब सा इसका घर है। ओके 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 फटाफट से ऊपर चलते हैं, शायद वो ऊपर ही गई होगी। प्लीज़ यार ऐसा डराइयो मत झटके से। वाला गेट खुला। हेलो यहाँ पे है तू? ओ ये रे, ये तो रे क्या वो? ओ निकल यहाँ से इसका। अबे इसे कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ गई? इसमें क्या है यार? उसको लिटरली कुछ हुआ ही नहीं। क्लोज यार, यहाँ पर इतने सारे ड्रॉअर हैं बट किसी के अंदर भी वो फ्लास्क नहीं है, मतलब इस पूरी जगह पे नहीं पड़ा वो। मुझे इसी को पकड़ के मारना पड़ेगा, इसी के थ्रू मुझे वो जगह पता चलने वाली है शायद। इसको लपेटना होगा भाई सबसे पहले तो। कहाँ पर है ये यार? इतनी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है ना इस घर में, सारी डोल की गर्दन ऐसे ऐसे हिल रही है भाई। मेरे पास मेरी गन भी नहीं है। ओ ये रही क्या कर रही है यहाँ पे? फिर मत मारियो मेरे। बहुत ज्यादा ताकत है इसमें भाई, ये ऐसा क्यों बोल रही है? उसके साथ थोड़ी ऐसा करेंगे यार। कहाँ चली जाती है यार मेरे को मार के? ये वाला गेट खुला पूरा, कि गेट आधा अनलॉक मतलब कि आधा खुला हुआ है, बाकी में कुछ सामान पड़ा है। वापस ऊपर तो नहीं चली गई वो? पर है तो यहीं कहीं, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। शायद अभी वो मरने वाली है, दो बारी मैंने उसके रख रख के मार दिया है, कुछ तो शायद उसे फ़र्क पड़ रहा होगा क्योंकि उसका ब्लड निकल रहा है। कहाँ चली गई तू? हेलो वो इस रूम में तो नहीं आई है, वो इस बारी कहीं और ही जा कर छुप रही है मेरे से डर के मारे। मैं आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो नीचे ही है। फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं, अभी इसको ढूंढ के बताता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ नीचे, और इस वाले रूम में ही मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं तो छुप के बैठी है। वो ज़मीन पे ही जाके बैठती है मैक्सिमम टाइम। इधर है क्या भाई? इधर कितना शोर हो रहा है! अरे चुप कर जाओ यार, मेरे पे अगर गन होती ना इन सबको मैं ठोक डालता, जितनी भी डॉल है। अरे पता नहीं कैसी सी अजीब सी पावर है तो इसके पास। अरे यार भाई को ये क्या है? डोल है या स्पाइडर है? ओ भाई 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 मुझे हील करना चाहिए क्या? डोना तो नजर नहीं आ रही, पर उसकी जितनी भी डॉल है वो मुझे मार रही है बहुत गंदे वाला। यहाँ पर गेरी तेरी ऐसी की तैसी, इसके रख के मारना सीधा आंख में, मारा आंख में। वो तेरी भैंस की भाई, तू तो गला वाला सब उठने मत, देखो मारे को मार। क्या क्या ये? ओके कुछ बहुत ज्यादा ही गलत हुआ है, ये क्या? It's over. डोना मर गई, उसके अंदर एक अलग घोस्ट की आत्मा थी शायद। कुछ मिला मेरे को यहाँ से, ये एक We'll make things right. या मुझे की मिली है। What? कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ लगेगी। ओ वाओ गाइस फ्लास्क, यार ये डोना तो बिल्कुल कसम से थी तो डेंजरस बट उतनी भी ज्यादा नहीं। मुझे पहले से एग्जामिन करना पड़ेगा शायद। एंड इसके अंदर से कंबाइन विद फोर, ओके तो जो हम बीच में से हाँ तो वो जो हम एक अलग अलग की कलेक्ट कर रहे थे, अभी चारों जुड़ चुकी हैं वो, और नहीं अभी शायद से तीन जुड़ी है, और फाइनली हमें फ्लास्क मिल चुका है। इसमें पता नहीं कलेक्ट रोज, हाँ तो मैंने रोज का एक और फ्लास्क कलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मुझे ये डोना की डोल भी मिल चुकी है। एक्चुअली रियल डोना वो जो ब्लैक वाली लेडी हमें बाद में दिखी है वो है,
बस उसकी आत्मा एक डोल के अंदर घुस गई थी और हमने फाइनली उसकी मुंह पे सीजर मार मार के उसका खेल खत्म कर दिया। एंड मेरी गन्स भी वापस आ चुकी है। ओ वाओ अमेजिंग। अभी फटाफट से मुझे जाना पड़ेगा ड्यूक के पास ताकि हम लोग अपने अगले टास्क में निकले। इसके बाद मुझे जाना है मोराई के पास जो कि थर्ड लोर्ड है इस जगह का, और मुझे लग रहा था कि भाई डोना हमें बहुत ज़्यादा फंसा के रखेगी, बट नहीं, डोना को तो कल आए आज ख़त्म ख़त्म बस ख़त्म। फिलहाल अभी मुझे जाना है मोराई पे, और ये जगह क्या ही ब्यूटीफुल है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी बहुत हरियाली यहाँ पर हो जाएगी, तब हम यहाँ वापस आएंगे। मतलब यार मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है कुछ इस टाइप की जगह रियल लाइफ में भी देखें, बस हाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ ना हो, क्योंकि बर्फ़ में यार पानी अच्छा नहीं लगता, सर्दी होती है भाई, पानी भी ठंडा रहता है। मेरे को कहाँ जाना था यार, मैं एक तो बातों में ऐसे लग जाता हूँ ना, कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ से आया हूँ कहाँ को जा रहा हूँ। ओके शायद मुझे यहीं पर जाना है। ये लिफ्ट मैंने ओपन करी, फटाफट अभी हम लोग नीचे चलते हैं जिस रास्ते से आए हैं। ओके फटाफट से मुझे नीचे लेकर चलो यार, ड्यूक के पास चलते हैं, देखते हैं भाई ये वाला फ्लास्क से हमें एक नई क्लिप देखने को मिलती है या फिर रोज़ हमारे पास वापस आ जाती है। मुझे लगता नहीं है कि चारों फ्लास्क इकट्ठे करने से पहले रोज़ हमें वापस मिलेगी। दो मॉन्स्टर को मार के मैंने दो फ्लास्क इकट्ठे कर लिए हैं। अभी रह रहा है म्यूरे जो कि थर्ड लॉर्ड है, एंड फोर्थ लॉर्ड है टॉल लेडी का भाई हेजनबर्ग। वैसे देखो अगर मैं उन दोनों को भी मार दूंगा उसके बाद एक बचता है, वो लॉर्ड नहीं है, वो इन सब के भी ऊपर है, और वो है मदर मिरांडा। मुझे नहीं पता वो क्या करेगी, और ऐसा नहीं है कि वो मर चुकी है, वो जिंदा है। हमें फर्स्ट एपिसोड में ही उसने अपनी नज़र दिखा दी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मुंह छुपा के रखती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी सी है, पता नहीं। और उसके साथ उसके वो जो सिक्योरिटी गार्ड, एक्चुअली वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, उसके ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर हैं, ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर भी नहीं, पता नहीं क्या ही आइटम है वो लोग। फिलहाल मैं अपना नाइफ निकालता हूँ, जितना भी सामान है मुझे कलेक्ट करते हुए चलना है। लास्ट टाइम मैंने इसे मिस कैसे कर दिया मुझे तो ये नहीं पता। एंड मैं इसी रास्ते, देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस रास्ते, अच्छा ये वाला रास्ता कहीं नहीं जाता यहाँ पर। ओके कुछ है इसमें, मुझे यहाँ से एक मिली है सन एंड मून बॉल, शायद ये जो बोला ना ये कासल वाले मॉडल में यूज हो जाएगा। फिलहाल अभी मैंने इसे अपने साथ ले लिया, और एक ट्रेजर मैंने यहाँ से लूट लिया, एक ट्रेजर आगे और है। वहां पर जाने से पहले मैं बॉक्स ले लेता हूँ, और एक सेकेंड ये ऊपर से कौन आके गिरा है। हेलो भाई ये गंजा कहाँ से आ रहा है भाई, जमीन से निकल निकल कर आ रहे हैं ये लूट को, और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा वेपन भी है। बेटा पीछे हो जा, वैसे इन्हीं की कमी थी अभी तक, वही मैं कहूँ इतना सब कुछ शांति से नहीं हो सकता। आ जाओ बेटा, वैसे एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर टोटल तीन से चार चार आ चुके हैं, तुम्हारी भैंस की, निकल यहाँ से यार, ये पिस्टल से नहीं जाने वाले। वैसे ये वाली जो पिस्टल है ना अपनी नॉर्मल वाली पिस्टल से पावरफुल है, बट इनके शॉट गन बजानी पड़ेगी। हाँ भाई ओ तेरी, निकल यहाँ से तू भी, निकल यहाँ से, आ जा दादा तू भी निकल, आ जा, हेलो सर बाय बाय। भाई पांच पांच आ चुके, तू भी है, ये तो दोनों गए, तू भी निकल। भाई साहब चार बंदे यहाँ पर मैंने लपेट दिए, और ये बंदा शॉट गन खाने के बाद भी उठ गया है। फिलहाल इसके दूसरी पड़ी, ठीक है चलो इसका पत्ता साफ, अभी एक बंदा यहाँ पर बचा हुआ। आ जा बेटा, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरे चार बंदे पिट गए। भाई वो दो शॉट गन खा गया, पहले तो तू निकल यार, ये इनमें थोड़ी ज्यादा ताकत है, पास मत आओ ठीक है, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। रीलोड नहीं, ओए हेलो पीछे, भाई साहब मैं रीलोड करने लगा, छिपा की क्या है मेरे आंखें। ओके फिलहाल यहाँ पर काफी कुछ मेरे को मिल चुका है, ये सब कुछ ले लेते हैं यार, एमओ बनाने के काम आएंगे। यहाँ से मुझे काफी ज्यादा पैसा भी मिल गया है फटाफट। एक तो यार इधर ना धुंध इतनी ज्यादा पड़ी हुई है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, चारों तरफ एकदम बर्फीला एरिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर अभी और बंदे आ रहे हैं यार, इन्वेंट्री में जगह ही नहीं है। रुक जाओ पहले उसे एकदम सेट करेंगे, फिलहाल यहाँ से मैं थोड़ी बहुत ही एमो वगैरह उठा लेता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर को और मॉन्स्टर आ रहे हैं। फिलहाल पहले ये गेट बंद कर लेते हैं, फिर हम लोग इनसे भिड़ेंगे। हेलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं, आपको ऐसे ये गेट तोड़ तो नहीं देंगे ना, मैं एक बार चेक कर। भाई भाई धक्का मार रहे हैं, टूट जाएगा गेट। मैं पहले एक गन उठाता हूँ, लेट्स गो भाई, मस्त गन लग रही है। फिलहाल वो वाली जो गन है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले मैं इनको अपनी पिस्टल से ही निपटाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर ये गेट बंद करा था ताकि अंदर ना आए, इन लोगों ने अपने लिए छेद बना लिया ताकि मेरे से लड़े लें, पैंस के इसने गेट ही तोड़ दिया। भाई सब अकेला बंदा था पर जान बहुत ज़्यादा थी, फिलहाल इसको मैंने निपटा दिया है, अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे पाँच छः मॉन्स्टर आए थे, मुझे पहले ही अंदर जाना चाहिए था और फिर मुझे इनसे लड़ना था, आखिरी में एक बंदा बचा तो मैं अंदर जाके गेट बंद कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, फिलहाल हाँ ट्रेजर के लिए मुझे यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। यार काफ़ी सारी ऐसी आइटम्स होती है जो कि हमें यहाँ पर ढूंढनी पड़ती है, अगर मिस हो गई ना तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये गेट है, आई थिंक मैं इसमें पहले नहीं आया हूँ, और वाओ मुझे वाली जगह मिल गई जहाँ पर मुझे अपनी ये बॉल यूज़ करनी है, सन एंड मून बॉल। लेट्स गो, इसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं और आराम आराम से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओ वाओ काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट टर्न था, कुछ इस टाइप से मुझे टर्न इधर भी लेना है। यार एक ही बार में कंप्लीट करना, चाहे थोड़ा बहुत स्लो करूँ, कुछ ज़्यादा स्लो है। बस 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 हेलो भाई, देख रहे हो मतलब कैसी कैसी पजल है,
इसको सोल्व करने का ना मजा एकदम नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल आगे बैरियर से नहीं, नीचे चले जाएगी आराम से लेट्स गो यार। इसके बाद एक भी बैरियर नहीं है, बोल नीचे जाती है तो रीस्टार्ट हो जाएगा और मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। लेट्स गो, देखते हैं इसमें से मुझे क्या मिलता है। ओ वाओ, पटाखे बजने लग गए। यहाँ से मुझे मिला है ऑनिक्स स्कल। मेरे हिसाब से गाइस ये जो जितने भी स्कल मिलते हैं ना, इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ड्यूक से और उसके बदले हमें कुछ ना कुछ कमाल का आइटम मिल जाता है। फिलहाल मेरे को यहाँ से भी कुछ मिला है। एंड इधर एक है ल्यूथर्स की। ये की कहाँ पे यूज़ होने वाली है, फिलहाल इंपॉर्टेंट तो मेरे को लग रही है। एंड यहाँ पर भी एक पेपर पड़ा है, नवंबर 10th मिस्टर स्टोना इज नाउ मदर मिरांडास अडॉप्टेड डॉटर। इन ऑल माई ईयर्स आई हैव बीन नेवर दिस। ओके, वैसे ये सब चलते रहता है। फिलहाल मेरे को ये पूरी कहानी है, मैंने उसको मार दिया तो क्या ही पढ़ने का फायदा। फिलहाल आ गए वो जो तीनों विच हमने मारी थी ना कासल में, वो तीनों की तीनों विच उसकी बेटी थी जिसकी हमने एक पढ़ा था, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ। मैंने उस टाइम नोटिस नहीं करा था, बट अभी मेरे को थोड़ी बहुत पीछे की कहानी समझ आ रही है। फिलहाल यहाँ पर मैं ये उठाता हूँ, मुझे यहाँ से थोड़ी बहुत यार एमो, देखो ना मैं क्राफ्ट भी कर सकता हूँ, पर अगर मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि क्राफ्ट कभी भी हो सकती है बट मिल कभी नहीं सकती। फिलहाल मतलब ढूंढने पे मिलती है। ये फोटो मुझे एक मिला है, फोटो स्ट्रेंज बर्ड। ओके, क्या पता आगे काम है, ले लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। ओके, तो जो सामान मिला था उससे मैंने थोड़ी बहुत एमो क्राफ्ट कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर एक वेल है, इस मेरे पास वेल व्हील पड़ा हुआ है तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। देखते हैं इसके अंदर से मुझे क्या मिलता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आइटम तो मिल जाएगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ से वापस निकलते हैं सीधा ड्यूक के पास, जिस रास्ते से मैं यहाँ पर आया था डोना से लड़ने के लिए, शायद से वही वाला रास्ता है। फिलहाल यहाँ पर ये ब्रिज है भाई, ये ब्रिज हिल रहा है, इस बार टूट ना जाए। वैसे गाइस देखो, वो जो नीचे वाले मॉन्स्टर्स हैं ना, वो भी जा रहे हैं, वो जो उड़ने वाले थे जिनको मैंने कासल पे मारा था, और वहाँ पर एक गॉड थी जिसे मैंने तोड़ दिया है भाई। लेकिन मुझे फायर नहीं करना चाहिए था, पता चला वो मेरे को मारने के लिए यहाँ पर वापस आ जाए। फटाफट हम लोग चुपचाप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी लग रही है मेरे को थोड़ा बहुत। मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई तो आने वाला है। गंजे, तेरे को बिल्कुल शर्म है, पीछे तेरी ऐसी की तैसी, चुपचाप जमीन पे सो रहा है, सोते रहे, इसका बुरा हाल करूंगा ताकि इसके दोस्त यार जो है ना वो डर के बैठ जाए। पता चलेगा ना अपने दोस्त को गंदा कूटा है, वो जो सो रहे हैं ना जमीन के अंदर वो अपना सोते ही रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे मिला है, ओके हैंडगन एमो। इधर कुछ कौन है मेरे को, ओके मुझे इसमें से कुछ क्रिस्टल मिला है, बट अबे तुम सो ना, तुम्हारी कुटाई इतनी गंदी हो रही है लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही तेरी। एक यहाँ से गंदे वाला दिया है इस बार, दो ठीक है, चुपचाप सोते रहे। इसके जो बाकी दोस्त से आ रहे हो ना भाई, देख लो यही हाल होगा सबका, जो बाहर निकल के मेरे से लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी मेरे पास शॉट गन की एमो है ठीक है, तो गंदा ही मारूंगा एक शॉट में दो पलटियाँ। फिलहाल मुझे यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और ये क्या मिला, लेट्स गो, इसके अंदर से मुझे पैसा मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर यार जगह जगह पर इतनी सारी डॉल्स है ना, मैं क्या बताऊँ, कहीं से तो आ रहा है मैं, ओके ये रहा, इरा एक नहीं है दो है, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले आवाज़ इधर से आई फिर इधर से आई। एंड यहाँ से मुझे कुछ मिला भाई, कितना सारा आइटम मिल रहा है, ये कहाँ पर यूज़ होगा। तो अभी फिलहाल मैंने अपनी ये दूसरी वाली पिस्टल इक्विप कर ली है, क्योंकि यार उस वाली पिस्टल में मेरी एमो बची नहीं, शॉट गन की एमो भी ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर इसको, अरे भैया मर जा यार, यार इससे मज़ा नहीं आता, इस नकली पिस्टल से मारने में, देख रहे हो इतनी प्यार से मार रहा हूँ मैं, गिन रहा हूँ कितने शॉट इसके लग रहे हैं। चलो मारा गया, फिलहाल मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा मिल चुका है, और ऊपर एक और लॉटरी नहीं यार, इसे क्या ही कहेंगे, बट हाँ यार जो भी हो हमें यहाँ से दो तीन इंपॉर्टेंट आइटम मिले, देखते हैं कहाँ पर यूज़ होगी। और इधर एक और यहाँ पर एक लॉक पड़ा हुआ था, इसे भी मैंने ले लिया है। फिलहाल धीरे धीरे मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अबे पागल है, जमीन में से कहाँ से निकल रहे हैं यार, ऐसे झटके से ऐसे हाथ निकाल देते हैं और ऊपर से गलत सीन कर देते हैं। आ जा बेटा, छूके मारूँ, नहीं रुक जाओ, छूके क्यों मारेंगे, शॉट पिस्टल से ही मारेंगे इसे भी, पीछे पीछे प्यार से बेटा प्यार से। एक और पड़ी, रीलोड कर लेता हूँ मैं पहले, भाई मेरे पास ज़्यादा एमो नहीं बचा। ओ हेलो यार, ये पिस्टल एकदम नकली है यार तेरी, निकल यहाँ से। ये पावरफुल वाली नई गन ना मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि इसकी आगे चल के बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल अभी मैं भागता हुआ आ चुका हूँ सीधा वापस से उसी जगह पे जहाँ पर ड्यूक बैठा हुआ है, और यही है गाइस, एक सेकेंड, ये नहीं, हाँ ये है वो जगह जहाँ पर मुझे चारों मॉन्स्टर्स को मार के उनसे फ्लास्क लेकर आने हैं और यहाँ पे लगाने हैं। फिलहाल एक मैं लगा चुका हूँ, और ये है अपना दूसरा फ्लास्क जो कि मुझे यहाँ पर लगाना है। कहाँ चला गया मेरा फ्लास्क, ये रहा, तो फटाफट से अब हम लोग इसे यहाँ पर लगाते हैं। ओके लेट्स गो, ये खुला, और इस बारी हमें कोई भी क्लिप देखने को नहीं मिली यार, ऐसा कैसे है ड्यूक, मेरे को कुछ पता नहीं चला। मेरे को लग रहा है कि अब मुझे ना इन चारों को ही मार के लाना है ये फ्लास्क, और वापस से मुझे रोज को जिंदा करना है, कुछ ऐसा ही सीन होगा। एंड हेलो ड्यूक, प्लीज लुक फैमिलियर टू यू,
हाँ, तो अभी मैं जितना भी आइटम मिला है ना सारा मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ, और जो मैंने एनिमल्स मारे हैं ना उन एनिमल्स को मारने पे ये जो चीज मेरे को मिली है शायद से ये मुझे कुक करके देगा। ओ भाई ये काफी सही है, तो मुझे अभी इसे कुक करवाना है। ओके ये भी कंप्लीट हो गया है एंड थैंक यू सो मच। मेरे को ये मिलेगा। ओके ये इसे कुक कर रहा है और एक टाइप से ये अपना फीडिंग मटेरियल हो जाएगा, मींस ये अपना खाना हो जाएगा जिससे अपनी हेल्थ बढ़ेगी। ओके हब फिनिश, थैंक यू सो मच ड्यूक। हाय ड्यूक ना होता तो हम लोग कैसे जिंदा बचते यार यहाँ पे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मेरे को यार एमओ भी चाहिए बहुत सारी, समझ रहा है ना तो मेरी बात मोटे। हाँ ठीक है बस कर यार इतना मत बोल। वैसे एक सेकेंड में खाली पीली सामान खरीदने में लगा हुआ हूँ और अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि पैसा अपने पास खत्म हो चुका है। थैंक यू यार, मैं बाद में आऊंगा ड्यूक, फिलहाल अभी मुझे यहाँ से आगे निकलना है। ये वाला जो गेट है शायद यहाँ पर अब वो वाली की यूज हो जाएगी जो अपने टोटल चार टुकड़े मतलब कि चार अलग अलग की ढूंढी है तब जाकर हम लोग ये की बना पाए हैं। फिलहाल वो की यहाँ पर लग चुकी है और ये वाला जो गेट है वो खुल गया है और इस टाइम पर हम लोग जाने वाले हैं शायद से मोरे के पास जो कि थर्ड मॉन्स्टर है, या फिर हम लोग जाने वाले हैं हाइजेनबर्ग के पास, पता नहीं यार जो भी हो। फिलहाल ये क्या है, हेलो भाई ये भेड़ ऐसा कुछ है, सीधा भाग कर आ गया। ये क्या मेरे इंतजार में ही बैठा हुआ था यार, ड्यूक बचाना, ये तो सीधा मार रहा है जैसे मैंने गेट खोला। तो छोड़ दे भाई, उठा के फेंक दे मेरे को कहीं पर भी, पर जिंदा छोड़ दे। ओके इसने शायद मेरे को जिंदा बख्श दिया। प्लीज ओह गंदा तेरी भैंस की, निकल यहाँ से, निकल। ओ हेलो मेरे पास वैसे ही एमो नहीं है, रुक जाओ यहाँ पर से मुझे थोड़ा सा एमो मिला, इसे रीलोड करते हैं। भाई यहाँ पर दो दो हॉर्स मरे हुए हैं और एक बंदा यहाँ पर और मरा हुआ है, उसके पास है लेटर, इसे एग्जामिन करते हैं। द वाउंड्स आर सेवर, आई वोंट लास्ट मच लॉन्गर, आई कैन हियर शफलिंग अबाउट आउटसाइड्स, इट्स बैरली फ्लिंच्ड व्हेन आई शॉट इट, आई फील लाइक इट्स टॉइंग विद मी। ओ भाई दैट इज नॉट अ वुल्फ, स्टिल आई वॉन्ट टू लाई डाउन लाइक अ डॉग, इफ आई कैन गेट टू द ओल्ड वाटर मिल आई कैन स्टॉप इट, आई कैन प्रोटेक्ट यू, इट्स सो क्लोज, डैम आई एम सो कोल्ड, माई लेग्स वॉन्ट वर्क, आई एम सॉरी लूसिया, प्लीज फॉरगिव मी। ओके तो ये कह रहा है इफ आई कैन, मतलब कि कह रहा है कि ओल्ड वाटर मिल तक ये पहुंच जाता तो ये उसको बचा लेता, शायद लूसिया इसकी वाइफ है और इसे बचा नहीं पाया और खुद भी मर गया। और मुझे अभी मैं बाहर जा, वो चला गया क्या, तू चला गया, मेरे पास नई वाली गन है ना, मेरे पास उसके एमो तो नहीं है ना, लेकिन यार मेरे को उसके एमो उससे ले लेनी चाहिए थी ड्यूक से। हेलो बाबड़ी पूछ आ जा, आ तेरी ऐसे की तैसी आके तो दिखा, तेरी ऐसे तैसे करता हूँ। ओ सही में आ रहा है भाई, मुझे लग रहा था वो जा, नहीं भाई तेरी अंदर आना, निकल यहाँ से भाई, अभी आ भी जाएगा ये यार, चले जा, मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा, मैं मेरे बस की नहीं है भाई तेरे से लड़ना यार, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है, मेरे पास शॉट गन के ऊपर से ज़्यादा एमो भी नहीं है। फिलहाल अभी ना हम लोग ऊपर चलते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर जाने का यूज़ होगा। उसने कहा था कि ओल्ड वाटर मिल तक वो पहुंच जाता तो वो लूसिया को बचा लेता। ओल्ड वाटर मिल मुझे ढूंढनी है यार, विंड मिल तो नज़र आ रही है, वाटर मिल भी वही है क्या, पता नहीं यार कहां पर होगी। फिलहाल पीछे की तरफ में भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है। अगर वो मॉन्स्टर, ये जो राक्षस है, ये सामने घर है, मैं इस घर में चलूँ, क्या पता मुझे कुछ सेफ्टी मिल जाए या फिर कुछ और एमो मिल जाए शॉटगन की, तो बढ़िया रहेगा। मेरे को जाना तो चाहिए बट मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि मैं उस घर में एंटर कहाँ से होऊंगा। वैसे यहाँ पर नीचे एक जगह है, मैं बैठ के आ जाता हूँ अंदर, ठीक है। प्लीज़ अंदर मत आइयो, ठीक है अंदर मत आइयो, मेरे को दो मिनट यहाँ पर रेस्ट कर लेने दे। ये घर में मैं फंस गया, यहाँ से तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। ओ नहीं ये टनल अंदर जा रही है, वाह काफ़ी अच्छा घर बनाया है जो भी बिल्डर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया यार। नीचे बेसमेंट से ऊपर वाले फ्लोर पर आने का रास्ता दिया है जिस वजह से आज मैं बच गया हूँ। मुझे मालूम नहीं है मैं यहाँ पर कब तक जिंदा हूँ कब तक नहीं, बट मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इधर एक हब्स पड़ी है, ये ले लेता हूँ। एंड इधर एक गेट है जो कि मुझे शायद बंद ही कर लेना चाहिए, अगर यहाँ पर लिखा है ओ बंद हो, हेलो बंद करना भाई मुझे इसे भी फटाफट से, ठीक है अभी मैं अच्छे से सेफ हूँ यहाँ पर। इधर कुछ गन पाउडर पड़ा है, गन मेरी पूरी लोड है वैसे एक्चुअली, मुझे यहाँ से बाहर जाने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार देखो सबसे पहले तो ना मैं अपनी शॉटगन की एमो क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी मटेरियल ही नहीं है जिससे मैं एमो क्राफ्ट कर पाऊँ। एक्सप्लोजिव के कुछ राउंड्स मैंने क्राफ्ट कर ले हैं, थोड़ी बहुत हीलिंग्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, और अगर अभी मुझे कुछ क्राफ्ट करना है तो मुझे बहुत सारी एमो लगने वाली है। फिलहाल यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत एमो मिल चुका है, मीन्स बहुत सारा गन पाउडर लगेगा किसी भी चीज़ को क्राफ्ट करने के लिए। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ना इससे लड़ सकता हूँ और ना यहाँ पर रुक सकता हूँ। रुकूंगा तो ये मार देगा, लड़ूंगा तो भी मार देगा, इसीलिए एक एक करके हम लोग अलग अलग घर में चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्लो है। अबे तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारी ओए मैं पीछे रही हूँ प्लीज़ यार, अभी वैसे मेरी हालत ख़राब है, तू और मेरे को डरा ले, ठीक है
इनको मारने पे कुछ ना कुछ तो बढ़िया आइटम मिल ही जाता है वैसे हर बारी। यहाँ पर एक रेडियो है जो कि प्ले नहीं हो सकता, ऊपर चलना चाहिए भाई। ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर कोई बहुत तेरी पागल, पीछे जा ठीक है, आराम से हम लोग आराम से बात करके मैटर सोल्व कर लेते हैं। वैसे क्या मस्त मैटर सोल्व हुआ है ना, उसको तो मैंने बिछा ही दिया। यहाँ पर यार इतने सारे पिजन्स मरे हुए हैं, मेरे से देखा नहीं जा रहा यहाँ से। वैसे नीचे उतरते उधर दो दो हॉर्स मरे पड़े थे, वो देखा गया और पिजन नहीं देखे जा रहे। वाओ, मुझे यहाँ से आराम से पहले बाहर निकलना है और बातचीत कम, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओल्ड वाटर मिल कहाँ पर है भाई? वाटर मिल का रास्ता वस्ता मिल जाता तो बढ़िया रहता। मेरे को मैप खोल लेना चाहिए। इस तरफ में घर है, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। कोई है अंदर? प्लीज़ है तो ऐसे बता दो। ठीक है, यहाँ से थोड़ी बहुत हब्स मिल गई है, मैं अपने लिए हीलिंग्स तो क्राफ्ट कर लूँगा। ओल्ड वाटर मिल में ऐसा क्या है जो कि उसने मैसेज, मतलब कि उस लेटर में लिखा है कि वो ओल्ड वाटर मिल पहुँच जाता तो वो उसको बचा लेता, पता नहीं। फिलहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा। उस मॉन्स्टर से मेरे को लग रहा है कि मुझे भिड़ना ही पड़ेगा। बेचारे उस मॉन्स्टर को अब मुझे मारना ही पड़ेगा, मेरा मन नहीं है उसे मारने का, बट हाँ अब उसे मेरे को लग रहा है मारना पड़ेगा क्योंकि कुछ और काम दिख नहीं रहा है। ये क्या है? इस कवर इन स्लाइम, कुछ अलग स्लाइमी सब्सटेंस से कवर हो रखा है। तो मुझे यहाँ पर कुछ बॉम्ब वॉम्ब डालना है तो बता दो, क्योंकि वो मॉन्स्टर को मैं मारना नहीं चाह रहा ना, तो इसलिए हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, मैं बॉम्ब डाल देता हूँ इस पर, क्या पता। अरे ये तो यहीं गिर गया। ओके, दिमाग तो एकदम सही लगाया, जगह खुल गई। फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब कोई ये कुछ अलग, ये मोरे के पास हम लोग जा रहे हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा स्लाइम अजीब सा ही दिखने में था। मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। एंड ये टूटता है क्या? पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कम हो रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है या फिर ये सही में कम हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर मैं इसको इस तरीके से कम नहीं करना चाह रहा। पर पाइप बॉम्ब भी यार इंपॉर्टेंट है, उसे भी मेरे को यूज़ नहीं करना है, कर देते हैं भाड़े में जाए। ओ ओ ओ, आराम से भाई। मुझे ना लग रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए। सीढ़ियाँ भी टूट गई क्या? अबे ऐसा तो नहीं, नहीं मैं चढ़ सकता हूँ फिर भी, अभी भी मैं चढ़ सकता हूँ। सीढ़ियाँ टूटी नहीं है, वो उस स्लाइम की वजह से गल चुकी है। यार क्या ही मस्त आर्टिस्ट ने इस गेम पे वर्क करा है यार, मतलब कसम से इतना ज़्यादा मजा आ रहा है ना। फिलहाल यहाँ पर दो दो पिग है, तुम ऊपर तो नहीं चढ़ पाओगे ना, मैं तुम्हें मार रहा हूँ ठीक है। मेरे पास नहीं, ऊपर आने का रास्ता नहीं है ठीक है, ऐसी गोल गोल घूम। रुक जाओ, मैं आराम से मार लूँ। बहुत से बहुत प्यारा, एक और ले लो, खत्म हो। आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ, ये लो एक दो और ये। ओके ठीक है, ये डाउन हो चुका है। ये जगह थोड़ी बहुत मेरे को सेफ लग रही है। यही है मेरे हिसाब से गाइस वाटर मिल। वैसे वहाँ पर वाटर मिल लिखा था, विंड मिल लिखा था, मैं कभी कभार जल्दी जल्दी में गलत भी पड़ जाता हूँ भाई। एक मिनट, यहाँ पर ये गेट है, एंड इसको खोलने के लिए कुछ तो चाहिए। ये वेल व्हील लगेगा? नहीं, कुछ कुछ अलग चीज़ ढूंढ के लानी है, उससे खुलेगा। एंड आई थिंक वो चीज़ मुझे इस विंड मिल में ही मिलनी चाहिए। रिजर्वर एलिवेटर, ओके रिजर्वायर एलिवेटर एक्चुअली। फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे। ये बेसमेंट में रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा जा रहा है, बट अपने साथ कोई स्कैम ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास देखो भाई सीधी सी बात है, बार बार मैं एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ, मेरे पास एमो नहीं है और मॉन्स्टर यहाँ आने वाले हैं, बस यही चीज़ मैं बोले जा रहा हूँ। और ऐसा होगा अभी देखना, ये एमो की कमी पड़ेगी और मैं बहुत गंदा भरूंगा कहीं। फिलहाल यहाँ पर ओ ये लिफ्ट थी, वाओ मुझे लग रहा था ये ऐसी लीवर है और कुछ इससे ऑन वोन हो जाएगा। अरे बस कर भाई, इतना कहाँ बेसमेंट। अबे हेलो भाई, ये कोई कुछ ज़्यादा नीचे आ गए, हम लोग पताल नहीं जाना भाई। अब कोई बहुत तगड़ा मॉन्स्टर आने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ, कुछ तो मेरे साथ गलत होने वाला है। आ चुका हूँ फाइनली इस अजीबो गरीब माइन शाफ्ट में। वैसे माइन शाफ्ट है या फिर पता है, हाँ ये है 100% माइन शाफ्ट है, क्योंकि पटरियाँ माइन शाफ्ट में ही होती है। ये गेट लॉक्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लग रही है माइन शाफ्ट। मतलब एक बार आप देखो यार, मतलब ये सोचो कि कैसे इसको बनाया होगा, आर्टिस्ट की तरफ से सोचो भाई, क्या ही वर्क हुआ है यार इस गेम पे, तो मज़ा आ जाता है देख के ही। फिलहाल मैं यहाँ से आगे तो बढ़ रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाता जा रहा हूँ, बातें करे जा रहा हूँ और आगे बढ़े जा रहा हूँ, और मैं ऐसे ही पता नहीं कहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं थर्ड मॉन्स्टर के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, इतना मेरे को पता लग गया है। ओके फ्लास्क, वाओ ये नहीं मिलेगा मेरे को, मिलेगा ही नहीं, वो रहा सामने। मोरे मैं नहीं उठा रहा हूँ, तेरे को लड़ना है तू लड़। वो थर्ड मॉन्स्टर है गाइस इस गेम का, देख रहे हो कैसे खड़ा है, अभी बंदर की तरह कूदता हुआ आएगा। ओए हेलो, ये क्या है? वो वोमिटिंग कर रहा था वहां पे खड़े होके। नहीं मेरे को मारी हो मत, तू मेरे को सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा है। उसका मुंह कहाँ है? What are you doing with mother's special child? She's not hers.
अबे यार ये mean, mother's special child? प्यार से बात कर रहा है. Wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them, what do I care? Wait, just a little longer. नहीं. अबे ये बच्चे जैसे हैं यार सारे. सिर्फ टॉल लेडी को छोड़ के. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you? नहीं यार ऐसे मत कर भाई. This is my territory. अबे यार. फ्लास्क तो मिल गया ऐसे एक ही बार में. पर ये इसने कहाँ फंसा दिया भाई. Damn freak. यार ये मेरे को ना थोड़ा सा अच्छा लगा. या तो ये मदर मिरांडा से थोड़ा डरा हुआ है. इसका दिमाग ना मतलब थोड़ा डेंजर टाइप ही है. ओह शॉटगन का एमो नहीं है मेरे पास यार. चुपचाप यहाँ से निकलता हूँ. मेरे को समझ नहीं आ रहा वापस जाऊँ या मुरे के पास जाऊँ. ये क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. पहला मॉन्स्टर दिख रहा है जिसके साथ हमारे ऑप्शन भी है कि हम लोग भाग भी सकते हैं यहाँ से. वाह ठीक है मैं यहाँ से निकल लेता हूँ. पर मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे साथ कुछ सही होने वाला है. अगले 10 सेकंड में कुछ तो बहुत गलत होगा. ये सीढ़ियाँ हैं क्या. How do I get out of here? ये है तो रास्ता. मैं बाहर आ गया. हेलो कुछ. अबे ये मॉन्स्टर या तो पागल था वैसे नहीं ये कुछ गलत करेगा. मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. मैं रेडी हूँ इसलिए पहले से कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए. फिलहाल मैं अपना ये जो नाइफ है ना इसको इक्विप कर लेता हूँ क्योंकि ये शॉटगन वगैरह में एमो तो है नहीं. इसलिए भाई ये नाइफ को ही हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे. ये मेरे को मिली ढेर सारी एमो. सामने एक चेस्ट पड़ा है. मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा आई थिंक. ठीक है ये बॉट स्टार्ट इंजन इसका स्टार्ट पता नहीं किससे होगा भाई. मेरे पास आइटम ही नहीं है इसका इंजन स्टार्ट करने के लिए. पीछे से कुछ पड़ा है क्या. इस वाले रूम में कुछ ना कुछ तो होगा इंपॉर्टेंट. हेलो यहाँ पर कुछ पड़ा है. लीव द बोट की इन द शैक इन द माइन हेंस हिज डेथ सो नो मोर फिशिंग फॉर अ व्हाइल. आई मीन वी ऑल नो हिज डेथ वाज नो एक्सीडेंट. ही वाज ईटन बाय अ जायंट फिश बोट एंड ऑल. भाई कोई उसकी बोट और उसको खा गया था. हेंस नाम का कोई बंदा है तो उसके लिए लेटर है कि उसकी जो बोट की है वो माइन केश किसी शैक में पड़ी है. यार मुझे वापस अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं. माइन तो देखो यही है और शैक भी अंदर ही होगा. अगर मेरे को वो ऐसे ही मिल जाती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता. मैं इधर नहीं गया ना अभी एक बार भी. प्लीज़ की मिल जाए यार. यहाँ रास्ता. अरे भैया रास्ता तो टूटा पड़ा है. आगे मैं जा नहीं पाऊँगा. यहाँ पर कुछ है. यहाँ से सम फोर्स कुड ब्रेक इट. किस टाइप की फोर्स. ठीक है मेरे पास एक मस्त फोर्स है ना. मेरे पास पाइप बॉम है. था मेरे पास पाइप बॉम. कहाँ चला गया. हेलो मेरे पास पाइप बॉम था. ये गन मार दूँ इस पर. पिस्टल मारने का ट्राई करता हूँ. ओके ठीक है ये खुल चुका है. वाह पिस्टल से जाना था अभी खाली पी ली. मेरा पाइप बॉम्ब वेस्ट हो जाता. एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना मैं एकदम सही बढ़ता जा रहा हूँ आगे. और यहाँ पर कुछ है. ओके इसके अंदर से मुझे ढेर सारा पैसा मिल चुका है. यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. रास्ता शायद से मुझे वापस उसी जगह पर लेकर जाने वाला है. शायद से 100% श्योर नहीं. ओ वाह मुझे यहाँ पर शैक मिल चुका है. ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है. भाई साहब एक भाई साहब दो भाई साहब कितने हो तुम. तेरी मैं इसकी पहले तेरे को लपेट दूं मैं. वो इनके पास थोड़ा तगड़ा वेपन है ना. तेरी पीछे हो जा पीछे. एक इसके रख रख देनी पड़ेगी भाई. 5 एमओ है मेरे पे. निकल तू तो मेरे से मिला मेडल्स का. पीछे देखो पीछे कोई है नहीं पर फिर भी देख लिया करो यार जब मैं बोल रहा हूँ तो. फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ अंदर. एंड यहाँ से मुझे गाइस बोट का की तो मिल चुका है. वो ये कहाँ से आ गया. तुम 5-6 हो क्या. उस दिन मारा तो तेरे को. रुक जाओ भाई एक मिनट रुक जाओ. मेरे को अपनी ना पहले एमो क्राफ्ट करनी है स्पेशली शॉटगन का. बट मेरे पास गन पाउडर नहीं है. वाओ मैं कोई भी बुलेट क्राफ्ट नहीं कर सकता हूँ इस टाइम पे. यहाँ पर कुछ है ये तोड़ता हूँ. इससे मेरे को मिला 280 लाए. ओह प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग. ओह हेलो भाई रुक जाओ. थोड़ा बहुत सोच समझ के वरना मैं जाऊँगा. मेरे पास अभी स्नाइपर का एमो है. कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो गाइस यार देखो मेरी पता है सबसे बड़ी गलती क्या है. मैंने ना ड्यूक से शॉटगन एमो की जगह ढेर सारी ग्रेनेड लॉन्चर वाली एमो खरीद ली थी. अब पता नहीं वो कहाँ यूज़ होगी. मैंने ग्रेनेड लॉन्चर मेरे पास है नहीं पर मैंने उसकी एमो ले ली उससे. फिलहाल मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें मिल चुकी है और अभी मुझे ना यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि ये लोग मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे इस तरीके से.
चुपचाप मैं यहाँ से निकल लेता हूँ इनसे बिना लड़ाई करे। जल्दी 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 ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ये लोग, वरना नहीं छोड़ेंगे भाई। जल्दी 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 15 एमो मेरे पास है फटाफट। थोड़ी बहुत शॉटगन की एमो भी मेरे को मिल गई है, इसको रीलोड कर लेते हैं। तो भाई देखो यही बढ़िया तरीका है, जब तुम्हें तुम्हें लगे ना कि हाँ भैया हमारे बस की नहीं है, हमारी कुटाई होने वाली है, तो तुम वहाँ से निकल लो। बोट की मिल गई, जो चीज़ हमें चाहिए थी हमें मिल गई है। फिलहाल मैं सबसे पहले ना गाइस शॉटगन इक्विप कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी एमो मेरे पास अभी हो चुकी है, तो हम लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं नई वाली गन से। एंड इसको मैं कर लेता हूँ रीलोड। पता नहीं मिली भी थी या नहीं मिली थी, अबे नहीं मिली थी इसकी एमो, मैं खाली पीली खुश हो रहा हूँ। हेलो, खाना वाना खाना खा ले, मेरे से लड़ने में तैयार। पहले तो मैं इसको ठिकाने लगा दूँ। हाँ भाई क्या दिक्कत है? ओ तेरी, मस्त जंप मार रहा आजकल। अबे एक नहीं दो दो हैं, मैंने गड़बड़ कर दी भाई फिर से। ओ पीछो पीछो पीछो, आराम से, तू भी पीछो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से मारूंगा दोनों को। इधर आ, ओ तेरी, पूरा नाच के दिखा रहा है, निकल यहाँ से। ओके फाइनली दोनों को मैंने लपेट दिया, इनसे आम उठाई। अभी जल्दी से यार बोट की में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। मैंने सही है उन लोगों से लड़ाई नहीं करी, क्योंकि अपना बिना लड़ाई करे भी काम हो चुका है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा इस बोट में। अब ये ना हो कि इसके अंदर फ्यूल नहीं है। वाओ स्टार्ट हो चुकी है, अभी मुझे इस बोट को शायद सामने लेकर जाना है, बट उससे पहले मैं इस बोट को लेफ्ट लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने देख लिया था यहाँ पर एक ट्रेजर है। एंड इस बोट से उतरने के लिए मुझे क्या दबाना है, कंट्रोल्स क्या हैं इसके? तो गाइस देखो, शायद मैं अपनी बोट से बाहर नहीं आ सकता हूँ, और बाहर नहीं आ पाऊँगा तो मैं वो चेस्ट भी नहीं ले पाऊँगा। पता नहीं यार, शायद वो हमें बाद में लेनी हो। फिलहाल अभी ना जल्दी से मैं इसे ले करना यहाँ से पहले भाग लेता हूँ ड्यूक के पास, क्योंकि अपने पास कोई यार देखो बढ़िया ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर इनसे लड़ने बैठूँगा तो ज़्यादा दिक्कत है, और पानी में तो कोई मॉन्स्टर नहीं है ना। मुझे लग ही रहा था यार, आवाज़ मेरे को आ गई थी। फटाफट फटाफट मैं निकल चुका हूँ, वो यहाँ नहीं आ पाएगा ईजिली। मुझे कहाँ पर रोकना चाहिए ऐसे? अरे रुक जा भैया यहीं पर, लेट्स गो। साइड में मैंने इसे लगा दिया है, अगर वो अंदर आया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। गन निकाल लेता हूँ, वो था तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस कुछ भी हो। अब ऐसा ना हो कि मैं गलत आ गया और मुझे यहाँ से वापस जाना है। इधर कुछ है, नीचे नीचे घुसता, नीचे घुसता, नीचे नीचे भाई, वो देख वो रहा पे अंधा है क्या? ये क्या है ये देख, वो किसने मारा? वो ये तो मिलिट्री है, मैं तो मेरे को क्यों मार रही है ये? Stay the fuck down, Ethan. I gotta say I'm surprised you made it this far, Chris. It'd be a shame if something happened to you now. Sir Chris, why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. अबे ये military वाला बंदा है क्या बंदा है? I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. अबे ये कैसा military वाला है यार? Unknown, but my guess is we've been here too long. And Miranda. बड़ा अजीब soldier है. Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. ये मदर मिरांडा के लिए काम कर रहा है यार, इसको मार नहीं सकते क्या? वो भैंस की, ये लोग उस... What is this? ले आ गए वो। ओ भाई, मुझे लग ही रहा था ये कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, ये कोई छोटा मौसम मोस्ट नहीं। अच्छा वो जो मैसेज में लिखा था ना कि कोई फिश टाइप उसकी बोट को खा गया, भाई ये वही फिश है। ये तो वेल फेल कर रहा है यार, वेल भी कुछ नहीं है इसके आगे, शार्क वार्क कुछ भी नहीं है भाई। ये तो भाई सब लकड़ियाँ वकड़ियाँ ऐसे गिरा रहा है। ओए तू कहाँ से आ रहा है? ये तो मोरे है ना? यार ये मार वार नहीं रहा मेरे को, इसकी बॉडी बहुत गंदी है, मेरे से देखी ही नहीं जा रही है, एक नॉर्मल इंसान है पता है। इसके हाथ पे टैटू वैटू बना हुआ है। Miranda sent you to slow me down? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मुंह उधर कर ले अपना। अरे यार What are you talking about? अबे मरी जाना है इससे बढ़िया। भाई सॉरी गाइस, जो लोग भी खाना खाते हुए देख रहे हैं भाई, मेरी तरफ से सॉरी भाई, इसे मेरी कोई गलती नहीं है भाई। ये पतला हो गया ना यार, ये कैसा मॉन्स्टर था यार? वो 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 हेलो क्रिस, अबे क्रिस कहाँ चला गया? क्रिस यार तू बहुत अच्छा सोल्जर है, मेरे को बचा ले भाई। भैंस की यार, ये मेरे को बचाने आया था, मेरे को मारने आया था, वो समझ नहीं आया, गायब भी हो गया। अरे भाई
ये कहाँ से आ रहे हैं? हेलो, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। लकड़ियाँ वकड़ियाँ उड़ती हुई गिर रही है बस। आई थिंक वो गया। तू धप्पा मत करियो। अच्छा, ये पूरा टाउन इसीलिए टूटा पड़ा है इस बंदे की, इस अकेले राक्षस की वजह से। मुझे यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ? मेरे हिसाब से ये रास्ता ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर मुझे भाई जो भी हो, मेरे को फ्लास्क बहुत ज़्यादा ईजिली मिल चुका है यहाँ से। यहाँ कुछ है, ये क्या है मुझे इसे रीड करना पड़ेगा। रोटेट, इसको पहले हम लोग रोटेट करके देखते हैं। बैक साइड पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तीन ऑरेंज ऐसे हैं, दो ब्लू है, एक ब्लैक, एक ऊपर ऑरेंज। पता नहीं ये किस काम आने वाला है। ओके, यहाँ से शायद मुझे पहले कलर एडजस्ट करने हैं। पानी आएगा इससे? अरे अरे, पावर नहीं है इसमें, तो मैं पावर कहाँ से दूंगा? टर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू। ओके ओके ओके, यहाँ पर कुछ है। रिजर्वायर गेट हाउस ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस। इन एन इंस्टेंस ऑफ हैवी रेन देयर मे बी अ डैमेज टू लोकल एक्वेटिक लाइफ। इट इज एडवाइज्ड दैट यू ड्रेन ऑल एक्सेस वाटर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, मैं समझ चुका हूँ। जिस पानी में वो तैर रहे हैं हम लोग, वो खोल के वो सारा पानी, क्या कहते हैं उसे, डैम ही कहेंगे, उसे खोल के सारा पानी वहाँ का खत्म कर देंगे। मूव द विंडमिल्स विद अ क्रैंक टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू द गेट हाउस। पुल द लीवर इन द गेट हाउस टू ओपन द स्लुइस गेट। ओके, स्लुइस गेट हमें मेनली ओपन करना है ताकि सारा पानी जो है बह जाए। और वो मॉन्स्टर पानी के अंदर ही जिंदा रहता है ना, तो मेन चीज़ वही है। फिलहाल मेरे को एक मिनट, यहाँ पर कुछ है, ये गेट खोलते हैं इसके अंदर से। ये मेरे को केमिकल फ्लूइड, ओके, इससे हम लोग अपनी हाफ्स और ये मिलाकर अपनी हीलिंग क्राफ्ट करेंगे। फिलहाल मुझे पहले विंड मिल पर जाना है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिली है। दिस इज अर कैंक इज एन ओल्ड एंड बस्टेड अप। इट फील्स लाइक इट्स गोइंग टू स्नैप एनी सेकेंड। आई होप इट डजंट ब्रेक। द ओनली अदर वन वी हैव इज ओवर एट विंडमिल टू। ओके, तो उसमें लिखा है कि हो सकता है वो टूटा और ये टूटा हुआ है। अभी मुझे किसी दूसरे तरीके से इसे ऑन करना पड़ेगा ना। रुक जाओ, मैं ट्राई करूँगा। ये नहीं हो पाएगा अगर ये टूटा हुआ है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है। गोल गोल घूमना, ये टूट गया। मुझे पता था भाई, वो साफ उसकी शक्ल बता रही है वो टूटा हुआ है। सीरियसली, और किस्मत तो वैसे इस टाइम फूटी हुई है। अभी मुझे यहाँ पर क्या लगाना है जिससे ये चले, एक बारी देखना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इसके अंदर लग के चल जाए, तो पहले मुझे वो आइटम ढूंढना पड़ेगा जो कि मैं इसके अंदर लगा पाऊँगा। मुझे यहाँ से नीचे जाना है, मे बी आराम से कूद देते हैं, सीढ़ियाँ तो है। ओ तेरी, सीधा दो मंजिल छलांग मार दी मैंने। कुछ तो मिल जा भाई। सीढ़ियाँ हैं इधर, ऊपर चलता हूँ यहाँ, क्योंकि कुछ मेरे को मिल नहीं रहा। क्या पता ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ ना कुछ पड़ा हो इम्पोर्टेंट। नहीं है यहाँ कुछ भी यार। दोबारा से एक बारी नीचे चलकर देखते हैं। हाँ तो भाई देखो, ये एरिया तो मैंने पूरा चेक कर लिया, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, मीन्स वाला लीवर नहीं है जिसके थ्रू हम लोग उसे ऑन कर पाएंगे। मुझे ना यहाँ से आगे बढ़ना है, और शायद ये रास्ता मुझे यहाँ से आगे लेकर जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह है। एक बारी मैं यहाँ से आगे निकल जाऊँ, फिर अपना काम इजीली हो जाएगा। ओ भाई, तू मेरे से लड़ मत यार प्लीज, तू कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि यहाँ उनको मार दूंगा, बट भाई तो कहाँ से जा रहा है, कहाँ को निकल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओ भाई भाई भाई, जा अपना पानी में जा, आराम से मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। अभी तक इसने मुझे एक भी चोट नहीं पहुँचाई है, और उम्मीद है कि मुझे आगे भी चोट नहीं पहुँचाएगा। मुझे यहाँ से आगे जाने के लिए ये तोड़ना पड़ेगा। एमो ही नहीं है, अरे एक एमो तो इससे टूट जाए। लेट्स गो। टूटा, गिर रहा है बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। अरे जल्दी गिर जाए यार, इतना टाइम नहीं है, लपेट देगा वो मेरे को। ओ ओ ओ, ओ मेरे ऊपर मत गिर जाइयो। तो गाइस यार देखो, ये ना अभी गिरने की हालत में तो है, बट गिर नहीं रहा है, बस हिले जा रहा है। हेलो मॉन्स्टर, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? टक्कर वक्कर मार दो यार मेरे एक रख के, ठीक है? कुछ नहीं करना, बस यूँ भागते हुए आना है और टक्कर मारनी है। इधर इधर इधर, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, राइट आगे से। यार ये बड़ा ही बावड़ी पूछ मॉन्स्टर, इसके सामने खड़ा हूँ, ये मेरे को मार नहीं पा रहा। यार मैं इसको कैसे गिराऊँ, ये हिले जा रहा है बट गिर नहीं रहा यार बिल्कुल भी। ओह वाह, मुझे कुछ दिखा वहाँ पे। तू गिराएगा इससे कि मैं खुद करूँ? मैं वैसे, मेरे को अभी खुद ही करना पड़ेगा, मुझे दिख चुका है। मेरी किसी भी गन में एमो नहीं है, ये काम मुझे अपनी स्नाइपर से करना पड़ेगा। और लेट्स गो, फाइनली मैंने यहाँ पर इसे गिरा दिया है। यार देख रहे हो गन ना होने के नुकसान, मुझे अपनी स्नाइपर एमो यूज़ करनी पड़ रही है एक ऐसे काम के लिए जहाँ पर मेरा नाइफ भी यूज़ हो सकता है। फिलहाल मुझे यहाँ से शायद लेफ्ट जाना है या फिर राइट। ओ यहाँ पर ये मैंने नहीं देखा, इसके अंदर से मेरे को एमोज मिल जाएगी। लेट्स गो, शॉर्ट गन एमो। मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ूँगा अभी? ये क्या है भाई, ये क्या लटक रहा था वहाँ पे? इसको मैं धक्का दे सकता हूँ? यहाँ से भी आगे नहीं जा सकता, यहाँ से भी आगे नहीं। ये यहाँ कुछ है, मुझे इसे पुश करना है। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ इसका यूज़ होगा।
लेट्स गो। ये पानी में गया। ओए आगे तू अकेले अकेले आगे चला गया यार। कुछ और, मैं यहाँ से नीचे कूद सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है? इसको ओपन करते हैं। इसमें से क्या पता वो आइटम। भाई एक बारी देख रहे हो ये क्या है? इसमें छूने, मेरा हाथ ही मत जाम कर देना उधर। ये हाथ वैसे इतने टाइम बाद जुड़ा है। भाई भाई भाई, इतनी जान आ गई इस हाथ में कि ये पूरा वही खोल डाला। कुछ लिफ्ट से आई ऊपर, एंड आई थिंक ये लिफ्ट मुझे आगे लेकर जाएगी, बट मुझे उससे पहले यहाँ पर लेफ्ट जाना चाहिए क्योंकि रास्ता है। और इधर भी सारे रास्ते वो ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जल्दी 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 यहाँ से मुझे आगे निकलना होगा। एंड यहाँ पर कुछ है साइड से निकल। इसको मैं ओपन नहीं कर सकता। क्या है वो अब कहाँ जाऊँ? अच्छा ये करना है। ठीक है कन्फ्यूज़ कर दिया भाई झटके से। एंड अभी मुझे इसे करना है नीचे। काफ़ी सारे अलग अलग रास्ते बना रखे हैं यार, लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब रास्तों का यूज़ करके बहुत ज़्यादा आके आ गया हूँ। मुझे यहाँ से मिल चुका है मैग्नम एमो, वाओ, लेट्स गो। ये क्या है? इसको डाउन करने पे ये भी कुछ है। इतने सारे लीवर्स यहाँ पर क्यों हैं? ओके गाइस, तो देखो अभी मैं समझ चुका हूँ, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऊपर आते हैं, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से अंदर चले जाते हैं। तो मुझे इन सबको ना ऑन करना है फटाफट से। इसको भी ऑन करना है, और जल्दी से जितने भी ऊपर आए हैं ना मुझे यहाँ से भागते हुए जाना पड़ेगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। पानी के अंदर ना चले जाऊँ मैं, प्लीज़ 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 हो जाइए। ओके फाइनली हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ओ भाई ये तो भाई पूरा पूरा टाप के जा रहा है मेरे को। ओ नहीं भाई, कितना गंदा है यार भाई, सब पता नहीं कौन से मटेरियल से बना है भाई, जो भी हो। अच्छा ये मिल रही है रास्ता। ओके ओके ओके, इधर जाना है मेरे को। मैं गलत आ गया था थोड़ा सा, मैं गया इस बार, मैं गया। ओके ओके ओके, बच चुका हूँ, बच गया भाई, बच गया पता नहीं कैसे इस बार तो। वो भाई आराम से जाने दे यार मेरे को, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा, मोरा है, टेंशन मत कर, तू बच जाएगा आज मेरे हाथों से भाई। वो भी परेशान हो रहा होगा, हालत खुद की ख़राब हो रखी है, और तारीफ भी अपनी। फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं यार। यार ये एक तो सारे रास्ते बंद है, कोई भी एक ठीक रास्ता चालू नहीं है, जहाँ से जाओ वहाँ दिक्कत। और ये मैंने नीचे गिरा दिया था ना। ओके कोई दूसरा वाला एक और ऊपर आ चुका, और अभी फाइनली पूरा रास्ता बन जाएगा। और भाई यार मोरे मेरे से मत लड़े यार तू, मुझे लग रहा था ये सबसे सिंपल मॉन्स्टर है, बट ये जिंदा है। एक लीवर के लिए इतनी बुरी तरह लड़ रहा है यार ये बेशरम कहीं का। ये कैसे तोड़ूं? हेलो, अरे यार कुछ ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर। शॉटगन है, यही मारनी पड़ेगी। ठीक है, एमओ एमओ मिल जाएगी तो कुछ काम होएगा, वरना तो ऐसी बैंड रुक जाओ। मैं पहले चेक करता हूँ, क्या पता मैं थोड़ी सी एमओ नहीं बना सकता। पाइप बॉम मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, बना लेता हूँ। दो पाइप बॉम हो गए, एक हीलिंग हो गई है, बस बहुत है अभी। जिंदा तो टिके रहूँगा एटलीस्ट मैं इतनी चीज़ों से, पर मेरे को मैं इससे लड़ नहीं पाऊँगा फिलहाल। अभी मैं ये चढ़कर आ चुका हूँ ऊपर, एंड मुझे यहाँ से बढ़ना है आगे, बट कैसे? इसके ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगा मैं, यहाँ भी नहीं जा सकता। ओके यहाँ लीवर है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। कुछ बढ़िया रास्ता आ जाए भाई इससे पानी के अंदर से निकल के। ये क्या निकल रहा है पानी से? हाँ रास्ता समझो भाई इसे। कोई बोट डूबी हुई थी, वो निकल कर आई है पूरी। मुझे ना गाइस इसको पाइप बॉम से ही तोड़ना पड़ेगा। जो पाइप बॉम मैंने नया क्राफ्ट करा है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। इक्विप करा है मैंने इसे। थोड़ा सा मेरे को बाहर जाने थे भाई 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 भाई, पानी का तो नास पीट रखा है इस बंदे ने कि पाइप बॉम गलत गया भाई, फूट तो गया है। ओके रास्ता भी खुल गया है, अभी फटाफट हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये वाली विंडमिल चल रही है, मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा ना पहले। यार अभी मैं ना ऑलमोस्ट पूरा सेफ हूँ। ओके ये पहले तोड़ते हैं, और अभी भाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। इस मॉन्स्टर के ऊपर गन मारने का मींस फायर करने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको मारने का जो हमें तरीका पता चला है वही सही है, मींस हमें पानी ही बंद कर देना है, सीधी सी बात है, वो सांस ही नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। ओ भाई 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 अंदर जा यार, इतना घटिया घटिया सामान मेरे को यहाँ से मिल रहा है। तो गाइस मुझे इस वाले का ये निकाल के क्रैंक उसमें ले जाके लगाना है। और सॉरी मैं इसे इतनी देर से लीवर बोल रहा था। तो गाइस देखो मुझे ना पहले अपने लिए ही यहाँ पर ये जो क्रैंक मैंने यहाँ का निकाला है ना, इसे पहले मुझे घुमाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर एक विंडमिल ठीक थी, एक टूटी हुई थी, और अभी मैंने इसे पूरा घुमा दिया है। आई थिंक अभी ये एकदम ठीक हो चुका है, मुझे एक क्रैंक यहाँ से वापस मिल गया है, या फिर वो पता नहीं टूट गया, बट कुछ तो गलत हुआ है। और अभी शायद से मैं नीचे आ चुका हूँ, नहीं ये ऊपर जाने की सीढ़ी मुझे यहाँ से मिल गई है। लेट्स गो फटाफट से भी हम लोग यहाँ से चलते हैं ऊपर। भाई भाई ऐसे लग रहा भूकंप आ रहा है चारों तरफ, बहुत ही गदर वाला।
ओ भाई आराम से यार प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो रहा है मेरे साथ। यहाँ से और ऊपर जाऊँगा क्या मैं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। इसको एक स्नाइपर मारू क्या रख के? तब से अपना सिर जो है ये यहीं पर पटके जा रहा है। लो तेरी ऐसी की तैसी, खाली पीली मैंने अपनी एमो वेस्ट कर ली, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है उसकी तरफ से। ओ वाओ, मुझे इसके थ्रू वापस जाना था यार, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया शॉर्टकट था। मैं खाली पीली परेशान हो रहा था भाई लिटरली, मुझे तो लग रहा था कि अभी बस मैं उसके मुंह में जाने वाला हूँ, बट ठीक है मैं बच गया। फाइनली मामला शांत हो चुका है और अभी बस मुझे उसे डुबा के मारना है। काफी ज्यादा सिंपल था वैसे इसको मारना। लेट्स गो, चोर लगा के हईशा घुमा दिया मैंने इसे बढ़िया तरीके से। और फाइनली अभी जो है मेरे हिसाब से सारा पानी वहाँ का धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। मैं पहले चेक करता हूँ पानी खत्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पानी खत्म हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नहीं हो रहा यार, पानी तो हिला भी नहीं, पता नहीं जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, बट हाँ जो भी है ठीक है। फिलहाल हम लोग लास्ट टाइम इस जगह पर आ गए थे, मैं नीचे भी गया था, सब कुछ मैंने यहाँ से एकदम बढ़िया तरीके से देख लिया है। मुझे यहाँ से भी कहाँ जाना चाहिए, वो वाली जगह कहाँ चली गई यार? वैसे वो नीचे ही थी ना जहाँ पर वो मेन हमें सेटअप करना था। डायरेक्ट मैं नीचे चलता हूँ, पता नहीं मैं थोड़ा सा गलत आ रहा हूँ या फिर सही जा रहा हूँ, थोड़ा भटक रहा हूँ। हाँ ये है, मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ यहाँ पे। मुझे वो वाला एरिया ढूंढना है जहाँ पर वो एक लीवर था ना पानी कम करने का, मुझे उसे ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद पानी यहाँ का ख़त्म होगा। वापस से ऊपर चलता हूँ मैं, नीचे गलत आ गया, नीचे तो मैं बाहर जाने के लिए आया था ना, वो रास्ता मेरे हिसाब से ऊपर से ही होना चाहिए। कहाँ से था यार वो रास्ता? मैं इधर आ तो गया हूँ पर रास्ता ही नहीं समझ आ रहा है भाई। इधर से नहीं आया मैं, ना ही मैं इधर से आया हूँ। ओके ओके, ये तो रहा यार, सीधा रास्ता था, मैं खाली बिली नीचे चला गया। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब बस मुझे वहाँ पर जाकर वो लीवर ऑन करना है, और अब ऐसा ना हो कि इधर की इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाए, क्योंकि इस वाले पोल से मेरे को स्पार्कलिंग होती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़ यार कोई भी गलत सीन ना हो जाए मेरे साथ, ठीक है ना? वो बहुत हेलो, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ ये भाई भाई ये कहाँ से टपका? रुक जाओ मुझे कोई तगड़ी गन दे भाई, रुक जाओ इसके पास ये वाली गन है। सबसे पहले तो भाई तू एक काम कर, मुझे ये दे दे शॉर्ट गन की एमो, जितनी तेरी औकात है उतनी दे दे भाई, अभी मेरे को बहुत सारी चाहिए। वैसे एक ही बार में पैसा खत्म हो जाएगा, एंड मुझे यहाँ पर ने से ढेर सारा सामान सेल भी करना है, ये सब अपना बहुत सारे बिक जाएंगे भाई। ओके ओके गाइस, अभी मेरे पास टोटल 1 लाख लाई हो चुका है भाई, मतलब इतना सारा पैसा है बट मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अभी मैं इसे बहुत कुछ खरीदने वाला हूँ अपने सभी वेपन्स के लिए। स्नाइपर की मेरे पास काफी ज्यादा एमो हो गई है, तो मैं इसे तब्बा के यूज करने वाला हूँ। वैसे गाइस अभी ना मैंने ड्यूक से ढेर सारी एमो तो परचेज कर ली अपनी गन्स के लिए, मेरे पास स्नाइपर की भी बहुत ज्यादा एमो है। और अब टाइम आ चुका है थर्ड मॉन्स्टर यानी मोरे को मार के उसका फ्लास्क ले लेने का। वैसे फ्लास्क मेरे पास आ चुका है, बट हमें ना यहाँ से निकलने के लिए उसको मारना पड़ेगा। और ये जो फ्लास्क है मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस रोज के आर्म्स है, मीन्स उसके हाथ है, मतलब यार कितने ही पार्ट्स में उसे बांटा होगा इन्होंने। बट फाइट हम लोग अभी नहीं करने वाले, क्योंकि जो फाइट है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत लंबी खिंचने वाली है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं चाहो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको थर्ड मॉन्स्टर कितना प्यारा लगा, 1%, 2% या फिर 1000%। वैसे प्यारा तो -1,00,000% भाई, मतलब क्या अजीब सी जगह लगा। छोड़ो यार जो भी हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, लपेटेंगे मोरे को, टाटा।